नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। कॉन्सैंग्विन मैरिजेस पर बेस्ड सीरीज के पहले और दूसरे एपिसोड्स में हमने जाना कि ब्लड रिलेशंस में शादी को लेकर देश दुनिया में क्या कानून है और धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं। इन दोनों एपिसोड्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। हमने दूसरे भाग में बात जहाँ पर छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। कई बार लोग तर्क देते हैं कि धर्मों में वैज्ञानिकता है। धर्म वेत्ताओं को पता था कि सगे संबंधों में शादी करने से होने वाले बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में जेनेटिकली कमज़ोर हो सकते हैं। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, हालांकि हमने विज्ञान के रास्ते इसे समझने की कोशिश की है और इस भाग में आपको यही एंगल मिलेगा, यानी साइंस का एंगल। तो सवाल है कि क्या ब्लड रिलेशंस में शादी से बच्चे जेनेटिकली कमज़ोर या बीमार पैदा होते हैं। इसे समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जीन, डीएनए और गुणसूत्र वगैरह क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे जीन और डीएनए के रिश्ते की। कभी कभी किसी व्यक्ति की बुरी आदत के लिए लोग उसे टोकते हैं तो उसके पुरखों तक को लपेट लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा तो डीएनए ही खराब है। क्या ये कहना सही है? डीएनए एक द्विसूत्रीय संरचना है। बायोलॉजी की किताबों से लेकर फिल्मों तक में आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा। ये डीएनए हर जीवित प्राणी में पाया जाता है। तो फिर जीन क्या है? जीन और डीएनए अलग नहीं है। फर्क ये है कि हर जीन डीएनए होता है, लेकिन हर डीएनए जीन नहीं होता। कैसे? हमारे या किसी भी जीव के शरीर में सबसे छोटी चीज होती है सेल, यानी कोशिका। इनमें पाया जाता है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में सामान्यतः 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, यानी टोटल 46। इन्हीं क्रोमोसोम्स पर डीएनए लिपटा रहता है, लेकिन इन डीएनए में ही कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो पहले एमआरएनए और फिर प्रोटीन बनाते हैं, और इन्हीं प्रोटीन बनाने वाले डीएनए को कहा जाता है जीन। हालांकि मेंडल ने इसे जीन नाम नहीं दिया था, बस ये कहा था कि ये प्रोटीन ही लक्षण तय करते हैं। सही भी है, क्योंकि यही प्रोटीन सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जैसी सेल डिवीजन, वैसी ही बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ और वैसी ही शारीरिक बनावट, और ये सेल डिवीजन प्राय पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा रहता है। तो साफ है कि इन्हीं प्रोटीन बनाने वाले डीएनए यानी जीन्स में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फ्लो करती है। हमारी अगली पीढ़ी में बाल किस रंग के होंगे, रेटिना का कलर क्या होगा, और सबसे खास बात कि उन्हें बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, ये सब इसी जीन और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक फ्लो से तय होता है। अब आ जाते हैं जेनेटिक फ्लो के रेशियो पर। ब्लड लाइन में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के साझा होने का रेशियो क्या है? इसके पीछे बहुत जटिल जेनेटिक स्टडी है। आसान भाषा में इसे यूं समझिए कि एक ही ब्लड लाइन के किन्हीं दो व्यक्तियों में कॉन्सैंग्विनिटी यानी रक्त संबंध का परसेंटेज हर पीढ़ी में 4 गुना तक कम हो जाता है। उल्टा कहें तो फर्स्ट कजन्स में सेकंड कजन्स की तुलना में 4 गुना ज्यादा कॉन्सैंग्विनिटी होती है। वहीं फर्स्ट कजन्स वांट्स टू मूव, यानी आपकी बुआ या चाचा से आपकी जो कॉन्सैंग्विनिटी है वो आपके फर्स्ट कजन्स यानी चाचा के बेटे से आपकी कॉन्सैंग्विनिटी की तुलना में आधी होती है। डबल फर्स्ट कजन्स यानी अगर सगे भाई बहन के एक जोड़े ने दूसरे सगे भाई बहन के जोड़े से शादी की हो तो उनके बच्चे आपस में डबल फर्स्ट कजन्स कहलाएंगे, और ऐसे बच्चों में रक्त संबंध फर्स्ट कजन से भी दोगुना होता है। ये तो है पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक फ्लो के अनुपात की जानकारी। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि कजन मैरिज से जेनेटिक स्तर पर दिक्कतें होती क्यों हैं? बात कर लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर की। प्रोटीन वाला डीएनए यानी जीन द्विसूत्रीय होता है, जिसमें एक हिस्सा डिजीज म्यूटेटेड यानी बीमारी वाला हो सकता है, यानी ये जीन बीमार कर भी सकता है और नहीं भी। जब ये डिजीज म्यूटेटेड हिस्सा किसी को बीमार करता है तब इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। उदाहरण के लिए डायबिटीज़ को ले लीजिए। चूंकि टाइप 2 डायबिटीज़ हेरिटेज में चलने वाली बीमारी है, तो मान लीजिए अगर किसी में डायबिटीज़ वाला जीन हो तो संभावना रहेगी कि उसे या उसकी अगली पीढ़ी में भी किसी को डायबिटीज़ हो जाए। बीमारी नहीं भी हुई, लेकिन बीमारी वाला जीन तो शरीर में है ही। जाहिर है कि ब्लड लाइन में जेनेटिक फ्लो के चलते ये डिजीज म्यूटेटेड जीन इसी ब्लड लाइन के किसी भी दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कजन कपल में एक जैसा डिजीज म्यूटेटेड जीन पाए जाने की संभावना नॉन कजन कपल की तुलना में 100 गुनी तक हो सकती है। ऐसे में इन कपल्स की होने वाली संतान में जीन साझा होकर पहुंचेंगे, और बीमारी वाले जीन्स के साझा होने यानी म्यूटेटेड जीन्स की 2 कॉपीज पहुंचने से बीमारी एक्टिव हो सकती है, और तब इस बीमारी को ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक
डिसऑर्डर कहते हैं। स्टडीज क्या कहती हैं? कजिन मैरिज में आनुवंशिक पहलू हमेशा चर्चा का विषय रहा है, सैकड़ों स्टडीज की गई हैं। पढ़ना चाहें तो जर्नल ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स पर जाकर आप डिटेल में इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिनसे कई तरह के निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताएंगे। जर्नल ऑफ जेनेटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉन कजन कपल्स के बच्चों की तुलना में कजन कपल्स के बच्चों में बर्थ डिफेक्ट 1-2% तक ज्यादा रहता है, यानी 3% की तुलना में करीब 4-5% तक। वहीं 1994 की एक स्टडी के मुताबिक कजन कपल्स के नवजात बच्चों की मृत्यु दर करीब 4.4% ज्यादा होती है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्थ डिफेक्ट और मोर्टैलिटी में ये अंतर लगभग उतना ही है जितना 40 साल की महिलाओं के बच्चों की मृत्यु दर और 30 साल की महिलाओं के बच्चों की मृत्यु दर में है। ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ क्या रिप्रोडक्टरी समस्याएं होती हैं, इस पर कभी फिर विस्तार से बात करेंगे। अब आ जाते हैं भारत में की गई रिसर्च पर। लक्ष्मैया नायडू, जो कि मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर हैं, उन्होंने जेनेटिक डिसऑर्डर से जूझ रहे कुछ मरीजों पर एक स्टडी की। इनमें से 200 मरीज ऐसे थे जिनकी कजन मैरिज की हिस्ट्री रही थी, और इन 200 मरीजों की मेडिकल कंडीशन को जब कैटेगराइज किया गया तो आंकड़े डराने वाले थे। करीब 66 मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी या रीनल डिसऑर्डर्स थे, यानी दिल, फेफड़े और गुर्दों से जुड़ी हुई बीमारियां। वहीं करीब 56 मरीजों में ओरोफेशियल मैनिफेस्टेशंस थे, यानी चेहरे और बाहरी त्वचा से जुड़ी हुई दिक्कतें, और इसी तरह 15 मरीजों में क्रेनियोफेशियल सिंड्रोम यानी चेहरे की विकृतियां थी। इसी तरह साउथ इंडिया में जहां कजन मैरिज का परसेंटेज ज्यादा है, वहां भी करीब कजन मैरिज से हुए 400 नवजात शिशु और बच्चों पर एक स्टडी की गई। इनमें से 63 बच्चों में 35 तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, और सबसे बड़ी बात ये कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सबसे ज्यादा बच्चों में देखे गए, यानी पेरेंट्स के जीन्स के साझा होने के चलते बच्चों में जीन्स की डबल कॉपीज आने के कारण होने वाले डिसऑर्डर सबसे ज्यादा थे। रिपीटेड कजन मैरिज, रिपीटेड कॉन्सैंग्विनियस मैरिज यानी एक ही ब्लड लाइन में बार बार शादियों के मामले में जेनेटिक दिक्कतें और भी ज्यादा होती हैं। मसलन पाकिस्तान में जहां पीढ़ियों से कजन मैरिज होती आ रही है, वहां डबल फर्स्ट कजन्स के बच्चों का मोर्टैलिटी रेट 13 और फर्स्ट कजन मैरिड कपल्स के बच्चों का मोर्टैलिटी रेट करीब 8% है, जबकि नॉन कजन कपल्स के बच्चों की मृत्यु दर करीब 5% है। इस अंतर की वजह ये कि रिपीटेड कजन मैरिज के चलते जीन्स पीढ़ियों से शफल नहीं हो रहे, बल्कि जेनेटिक रिलेशनशिप और ज्यादा क्लोज होती जा रही है, और इस क्लोजनेस के चलते बीमारी वाले जीन्स भी ज्यादा प्रभावी हैं। इसी तरह बीबीसी की एक रिपोर्ट में ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानियों पर भी एक स्टडी दी गई है। इनमें से करीब 55% लोगों ने फर्स्ट कजन मैरिज की थी। इनसे होने वाली संतानें ज्यादातर रिपीटेड कजन मैरिज से हुई थी। रिपोर्ट कहती है कि इन बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में करीब 13 गुना ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे गए। बीबीसी ये भी कहता है कि पाकिस्तानी ब्रिटिश बच्चों की संख्या कुल ब्रिटिश बच्चों की संख्या का सिर्फ 3% है, जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर वाले कुल ब्रिटिश बच्चों का लगभग 1/3 इन्हीं पाकिस्तानी ब्रिटिश बच्चों से पूरा हो जाता है। इन बच्चों की मृत्यु दर भी बाकी ब्रिटिश बच्चों की तुलना में ज्यादा है। बीबीसी की स्टोरी में एक इंटरव्यू भी शामिल है मायरा अली का, जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने फर्स्ट कजन मैरिज की थी। मायरा को एक बहुत रेयर रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर था, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा, जिसके चलते उन्हें बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी और बाद में स्किन कैंसर भी हो गया। मायरा इस सब के चलते फर्स्ट कजिन मैरिज के खिलाफ थी। 2010 में टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश पाकिस्तानियों में कजिन मैरिज के चलते हर साल 700 बच्चे जेनेटिक डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। हालांकि यूके के ह्यूमन जेनेटिक्स कमीशन के एक स्टेटमेंट के मुताबिक बीबीसी इस बात को स्पष्ट करने में असफल है कि पाकिस्तानी ब्रिटिश बच्चे 13 गुना ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर वाले हैं, लेकिन रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर यानी वो डिसऑर्डर जो उनके माँ बाप के जीन्स की कॉपीज के चलते हुए उनके मामले में सामान्य बच्चों की तुलना में 13 गुना ज्यादा वाली बीबीसी की संभावना सही है। HGCA भी कहता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड कंडीशंस और ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस का लेना देना कजन मैरिज से नहीं है। अब आपको नॉर्थ अमेरिका का उदाहरण देते हैं। यहाँ एक और उदाहरण है नॉर्थ अमेरिका का, एक क्रिश्चियन ग्रुप एमिश। ये लोग मूल रूप से जर्मन स्विस लोग थे, जिनकी तादाद वक्त के साथ कुछ सैकड़ा से बढ़कर करीब 3 लाख हो गई। हालांकि एमिश लोगों में फर्स्ट कजन मैरिज एक टैबू माना जाता है, लेकिन किन्हीं दो एमिश सेकंड कजन्स के बीच का एवरेज इनब्रीडिंग कोफिशियंट किन्हीं दो नॉन एमिश सेकंड कजन्स की तुलना में काफी ज्यादा है, और ये लोग कई रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। अमेरिका के ओहायो प्रांत में एमिश पॉपुलेशन वहाँ की कुल आबादी के सिर्फ 10% है, लेकिन यहाँ आधे से ज्यादा स्पेशल नीड केसेस इन्हीं एमिश लोगों के हैं।
पाकिस्तान के मुस्लिमों और अमेरिका के आमिश लोगों के उदाहरण से ये साफ हो जाता है कि रिपीटेड कजन मैरिज के चलते जीन्स शफल ना हो पाना भी जेनेटिक रिसेसिव डिसऑर्डर्स की वजह है। अरब देशों में जो कपल शादी करने के इच्छुक होते हैं उन्हें एडवांस जेनेटिक स्क्रीनिंग करवानी होती है। कतर आखिरी गल्फ कंट्री थी जिसने 2009 में स्क्रीनिंग को मैंडेटरी कर दिया। यहाँ खास तौर पर वो कपल्स जो पहले से रिलेटेड हैं उन्हें स्क्रीनिंग करवानी होती है। ऐसा इसलिए कि कतर में कजन मैरिज का करंट रेट 54% है, पिछली पीढ़ी की तुलना में करीब 15% ज़्यादा। दुबई के सेंटर फॉर अरब जीनोमिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरबों में आनुवंशिक विकारों यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ऐसे केसेस में से 2/3 केसेस ब्लड रिलेशन में शादी की वजह से हैं। हालांकि स्टडीज के मुताबिक लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को और फलस्तीनियों में कजन मैरिज कम हो रही है, वहीं यूएई में इसकी दर बढ़ रही है। अब आपको ये भी बता दें कि कौन सी बीमारियां और डिफेक्ट होते हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट यानी जन्मजात विकृतियों पर की गई एक लैटिन अमेरिकी स्टडी में कॉन्सैंग्विनियस मैरिज और कुछ रोगों जैसे हाइड्रोसिफेलस यानी दिमाग में पानी होना, पोस्टएक्सियल पॉलीडेक्सिटली यानी हाथ और पैरों की उंगलियों का ज़्यादा होना और बायलैटरल ओरल क्लेफेक्स यानी चेहरे और होंठ आदि पर दरारों के बीच एक एसोसिएशन पाया गया। कंजेनाइटल यानी जन्मजात हार्ट डिफेक्ट पर उपलब्ध लिटरेचर के मुताबिक प्रति 1000 बच्चों पर 50 में जन्म से हृदय दोष भी होते हैं। इसी लिटरेचर के मुताबिक कजन मैरिज का लेने देना कुछ और डिसऑर्डर्स जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से भी है। जेनेटिक डिसऑर्डर के अलावा इनब्रीडिंग का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स यानी हाथ पैर की लंबाई, सिर का आकार और वजन वगैरह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में स्टडीज को एक खास पैटर्न निकाल पाने में असफल रही हैं। यहाँ भी अलग अलग स्टडीज में दो राय है। हालांकि कजिन मैरिज से होने वाली संतानों के रिसेसिव जीन्स पर जो टेस्ट किए गए उनसे बौद्धिक क्षमता यानी आईक्यू लेवल्स में कुछ कमी जरूर देखी गई। वहीं एडल्टहुड डिसऑर्डर्स जैसे हाई बीपी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के बारे में भी स्टडीज कहती हैं कि इनका सीधा संबंध इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट से है। फर्टिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है? फर्टिलिटी रेट्स की बात करें तो कजिन मैरिज में दर आम शादियों की तुलना में ज्यादा है यानी ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और ये तथ्य आज का नहीं 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन के वक्त का है। एक और समझने वाला आंकड़ा ये कि ऐसी शादियों से होने वाले बच्चों का नंबर सामान्य बच्चों की तुलना में बढ़ता नहीं क्योंकि ऐसे बच्चों की मृत्यु दर भी ज़्यादा है। ऐसे समझिए कि ज़्यादा फर्टिलिटी बस ज़्यादा मोर्टैलिटी को कॉम्पेंसेट करने के लिए है। फर्टिलिटी ज़्यादा क्यों है इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि कजन मैरिज बाकी शादियों की तुलना में कम उम्र में ही हो जाती है। हाल ही की एक स्टडी के मुताबिक कजन मैरिज का ज्यादा फर्टिलिटी रेट किसी बायोलॉजिकल कारण के चलते नहीं है। आइसलैंड में जहां कजन मैरिज आम बात है वहां भी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। हालांकि एक स्टडी ये भी कहती है कि कजन मैरिज में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की ज्यादा शेयरिंग के चलते बर्थ रेट कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टडीज कजन मैरिज में बर्थ रेट के ज्यादा होने की तरफ इशारा करती है, माने कजन मैरिज में बांझपन की दर कम है। निष्कर्ष के तौर पर हम अपना कोई व्यू नहीं दे रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि जेनेटिक एजुकेशन और शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग इस तरह की दिक्कतों को कम कर सकती है। विपक्ष में तर्क देने वाले लोग कहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया, चार्ल्स डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कजन मैरिज की थी, उन्होंने तो इस पर विचार नहीं किया, लेकिन हमारा मानना है कि विचार करना और जानकारी रखना बेहतर है। मिडिल ईस्टर्न देशों जैसे कि बहरीन में हाई स्कूल में ही जेनेटिक एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ब्रिटेन में गर्भवती महिलाओं को जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफर की जाती है ताकि डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर से बचा जा सके। कतर की मिसाल हम आपको दे ही चुके। ब्रिटेन का HGC भी कहता है कि कजिन मैरिज करने वाले कपल्स को बेबी कंसीव करने से पहले ही जेनेटिक काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए ताकि बच्चे के लिए होने वाले रिस्क को समझा जा सके। अमेरिका के मेन प्रांत में अब जेनेटिक काउंसलिंग आवश्यक कर दी गई है। इसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी कम से कम जागरूकता तो लाई ही जा सकती है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।